साल 2005 से लेकर 2009 के बीच पानी के अंदर डूबी हुई एक नगरी मिली जिसका नाम था द्वारिका। ये वही नगरी है जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था, श्री कृष्ण की द्वारिका। तो क्या हुआ था कि पूरी नगर ही समुद्र की गहराइयों में समा गई? इन सवालों का जवाब इतिहास के पन्नों से मिलता है। दोस्तों, 6500 वर्ग किलोमीटर में फैले गुजरात राज्य के सौराष्ट्र प्रांत में आता है द्वारिका। पहले द्वारिका जामनगर जिले में आता था, लेकिन बाद में इसे एक अलग जिला घोषित कर दिया। यह कच्छ की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, ये उन 7 प्रांतों में से है जिसका जिक्र हम अपने वेद पुराणों में सुनते हैं। ये 7 नगर थे मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम, अयोध्या और द्वारिका। दोस्तों, द्वारिका को हम द्वारावती, कुशस्थली, अनर्तक, ओखा मंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्थ, अनंत द्वीप और वाणी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस नगर में बहुत सारे द्वार हुआ करते थे, इसीलिए इसका नाम द्वारिका पड़ा। दोस्तों, श्री कृष्ण की बनाई ये नगरी आखिर क्यों और कैसे समुद्र के गहराइयों में समा गई? आइए इन्हीं सवालों के जवाब हम अपने वेद पुराण और पुरातत्व विभाग द्वारा मिली जानकारियों द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, साल था 1970। इस डूबी हुई नगरी पर सबसे पहली नजर पड़ी थी हमारे देश के वायु सैनिकों की। उड़ते हुए जब उन्होंने देखा कि समुद्र की गहराइयों में एक नगर है, तब इस बात की चर्चा शुरू हुई। 1970 के जामनगर के गैजेट में भी इस बात का जिक्र हुआ। हालांकि तत्कालीन सरकार ने इस बात को दबाने की कोशिश की कि ये नगर द्वारिका हो सकता था, लेकिन जब पुरातत्व विभाग ने खोज की तो समुद्र से 130 फीट नीचे पूरी की पूरी नगर पाई गई और उसमें मिले गए सबूत काफी हद तक मिलते थे द्वारिका से, उस द्वारिका से जिसका जिक्र हम वेद पुराणों में सुनते आए हैं। इस बारे में पुरातत्व विभाग के अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक त्रिपाठी का कहना है कि जब उन्होंने समुद्र के गहराइयों में जाकर इस पर रिसर्च किया तो पाया कि सनातन धर्म के ग्रंथों में और महाभारत में जिस द्वारिका का जिक्र किया गया है, ये शहर हूबहू उससे मिलता है। उनका कहना है कि ग्रंथ में ये लिखा पाया गया कि समुद्र ने श्री कृष्ण को अपनी नगरी बसाने के लिए जमीन दी थी और ये कहा था कि जब वो परलोक चले जाएंगे तो वो अपनी जमीन वापस ले लेगी। भगवान श्री कृष्ण इस द्वारिका धाम से अपने धाम को गए, यहाँ पर समुद्र ने सारी द्वारका को जलप्लावित कर दिया। कृष्ण टोल्ड इन महाभारत सिटी ऑफ द्वारका वाज बिल्ट ऑन रिक्लेम्ड लैंड बट देन द सी लेवल स्टार्टेड गोइंग बैक द सिटी ऑफ द्वारका गॉट समवर। और 23वां और 24वां श्लोक है, द्वारकाम त्यक्त्वाम हरिणाम समुद्रो प्लावत क्षणात् वर्ज इत्वा महाभागः श्रीमद् भगवत आलयम्। यह श्रीमद् भागवत व्यास जी के द्वारा लिखी गई है और ये द्वापर युग में लिखा गया है। दोस्तों, द्वारिका के समुद्र में विलीन होने के पीछे 2 पौराणिक कथाओं का जिक्र मिलता है। पहला, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र साम को दिया गया श्राप। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की हत्या और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेवार ठहराया और उन्हें श्राप दिया कि उनके कुल का भी नाश हो जाएगा। और दूसरी कथा ये है दोस्तों कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुए, 36 वर्ष बीत गए, तो अचानक द्वारिका में बहुत सारे अपशगुन होने लगे। तभी महर्षि विश्वामित्र, नारद समेत बहुत सारे महर्षिगण द्वारिका पहुंचे। तभी यादव कुल के युवकों ने उनका उपहास करने की सोची और इसी दौरान उन्होंने कृष्ण पुत्र श्याम को स्त्री रूप में महर्षि के सामने पेश किया और उनसे पूछा कि यह गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ से पुत्र या पुत्री क्या जन्म लेगा? महर्षि अपनी आंखों को बंद कर ध्यान करने लगे और जब उन्होंने ध्यान किया तो पाया कि यह कोई स्त्री नहीं बल्कि एक पुरुष है और क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया कि यह स्त्री एक मूसल को जन्म देगी और उसी मूसल के प्रभाव से सारे यादव कुल का नाश हो जाएगा। जिस किसी पर भी इस मूसल का वज्र पड़ेगा वह मृत्यु को प्राप्त करेगा, सिर्फ श्री कृष्ण और बलराम ही इस मूसल के प्रभाव से बचे रहेंगे। यह बात सत्य होगी, यह श्री कृष्ण जानते थे। अगले ही दिन साम ने एक मूसल को जन्म दिया। तब राजा अग्रसेन ने इस मूसल को छुपाकर समुद्र में फेंक दिया। इस श्राप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने एक आदेश जारी करवाया कि कोई भी वृष्णि और अंधक वंशी अपने घर में न मदिरा बनाएगा और न ही मदिरा पान करेगा। उसका पालन भी किया गया, लेकिन महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी द्वारिका में जो कि बड़ी ही विचित्र थी। आए दिन कोई न कोई घटना का घटना और नगर में बहुत सारे चूहों का आक्रमण होना, ये सब दर्शा रहा था कि द्रौपदी का श्राप कहीं न कहीं पूरा होने जा रहा था। श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों को कहा कि तुम सब तीर्थ यात्रा पर चले जाओ और इस
आज्ञा को पाकर श्री कृष्ण के सारे पुत्र प्रभास तीर्थ को चले गए, लेकिन वहाँ पर आपस में वे लड़ पड़े। इस लड़ाई की शुरुआत हुई कृतवर्मा के एक उपहास से जो उसने सात्यकी पर किया था। फिर क्या, सात्यकी भी क्रोध में आकर उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। इस पर सारे अंधक वंश सात्यकी पर एक साथ हमला कर बैठे। तब श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने भी सात्यकी का साथ दिया, लेकिन इस लड़ाई में श्री कृष्ण के दो पुत्र सात्यकी और प्रद्युम्न मारे जाते हैं। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चलता है तो वह काफी दुखी और क्रोधित होते हैं। क्रोध में आकर वह एरका घास को अपनी मुट्ठी में उखाड़ लेते हैं। फिर क्या था, यह घास एक मूसल में तब्दील हो जाता है और उसके बाद जो भी इस घास को उखाड़ता वह एक मूसल में तब्दील हो जाता। इस मूसल के एक ही प्रहार से किसी की भी मृत्यु हो जाती थी। ये वही वक्त था जब सारे यदुवंशी एक दूसरे की हत्या करने लगे। तब बलराम ताऊ ने सोचा कि वह अब समाधि ले ले और वैकुंठ चले जाए, और उन्होंने शेषनाग का रूप धारण किया और श्री कृष्ण की आज्ञा से वे वापस वैकुंठ चले गए। तब श्री कृष्ण एकांत में ये विचार करने लगे कि शायद समय आ गया है गांधारी के श्राप का पूरा होने का, और उन्होंने ये फैसला लिया कि अब उन्हें भी समाधि ले लेनी चाहिए। यही सोचते सोचते श्री कृष्ण वहाँ समाधि मुद्रा में लेट गए। तभी चरा नाम का एक शिकारी एक हिरण के पीछे वहाँ पहुँच गया और वह हिरण का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। हिरण तो छुप गया, लेकिन उसे लगा कि श्री कृष्ण का पैर ही हिरण की आंख है, और उसने अपने तीर का वार कर दिया और वह तीर जाकर श्री कृष्ण के पैर में लग गया। तीर के लगने से श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है और वह परलोक सिधार जाते हैं। उस शिकारी को उन्होंने इसे होनी मानकर क्षमा कर दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद दारुक पांडवों के पास पहुंचे और अर्जुन से कहा कि वे यादव कुल की सारी स्त्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले आए, क्योंकि द्वारिका अब डूबने वाली है। अर्जुन ने वैसा ही किया। वे द्वारिका गए और वहां से सारी स्त्रियों को लेकर हस्तिनापुर वापस आ गए। कुछ समय बाद द्वारिका डूब गई। सभी जानते थे कि कृष्ण के परलोक सिधारने के बाद द्वारिका वापस समुद्र में विलीन हो जाएगी। पुरातत्व विभाग के निदेशक एसआर राव बताते हैं कि जब समुद्र के नीचे मिली चीजों की कार्बन डेटिंग की गई तो उनके जो आयु बताई गई वो द्वापर युग से काफी मेल खाती है। समुद्र के नीचे पाई गई 560 मीटर की दीवार और 30 खंभे हूबहू मेल खाते हैं द्वारिका से। द्वारिका के बारे में भी ग्रंथों में लिखा गया है कि वहाँ 50 खंभे थे और 50 खंभों में से 30 खंभे अभी तक खोज लिए गए हैं। दोस्तों, काफी चीजें मिली हैं जो कि आश्चर्य में डालती हैं और बताती है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो समुद्र ने अपनी धरती द्वारिका से वापस मांग ली।